Hi everyone, welcome back to my channel. This is me, Shiny. I'm getting married very soon और मेरी जो wedding date है वो मैं आज इस video में आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ along with my wedding card जो हमने सबको invite करने के लिए इस्तेमाल किया है. So मैं उस card का details भी आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ because that card is very very special for me. So इस video को पूरा देखिए and don't forget to like, share and subscribe ज़रूर कीजिएगा क्योंकि wedding vlogs बहुत ही जल्द आने वाले हैं. Wedding preparations already start हो चुकी हैं. So I'm sure आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो. इवन मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए बिकॉज दीज आर द वेरी स्पेशल डेज ऑफ माई लाइफ एंड फेब्रवरी महीने में ही मेरी शादी है. तो ये जो फेब्रवरी मंथ है वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. एंड सो मेरा जो वेडिंग कार्ड है वो इस साइज में है एंड जो टिपिकल बंगाली वेडिंग इन्विटेशन कार्ड्स होता है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है. मैंने कुछ अलग सा मुझे चाहिए था एंड आई फाइनली फाउंड दिस वन. और ये जो कार्ड है ना ये बिल्कुल वाइट है बिकॉज आई वॉन्टेड माई कार्ड टू डिपिक्ट माई पर्सनैलिटी. मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल सिंपल है. मुझे हमेशा सिंपल चीज़ें ही पसंद आती है. मुझे कुछ बोल्ड लाउड चीज़ें ज़्यादा ओवर द टॉप चीज़ें पसंद नहीं होता है. मुझे एकदम सिंपल लाइट क्लासी चीज़ें पसंद होती है. तो आई रियली हैव सर्च्ड अ लॉट एंड मैंने बहुत सारे दुकानों पर गई थी. मैंने बहुत सारे कार्ड्स को देखा था लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था. जनरली वेडिंग इन्विटेशन कार्ड्स यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत चंकी होते हैं और उसमें ना ज़्यादा ब्राइट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. गोल्डन कलर के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए था. आई वॉन्टेड मिनिमल, आई वॉन्टेड सिंपल, जो कि मेरे वेडिंग का थीम है. जो मैं वेडिंग ब्लॉग्स जब मैं शेयर करूँगी आप लोगों को शायद पता चल जाएगा. मुझे हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद है एंड ये जो कार्ड है इट डिपिक्ट्स माय पर्सनालिटी. तो ये एकदम सिंपल है जिसके ऊपर ये इसका कार्ड का जो कवर है वो कवर है ये. एंड इसके ऊपर ना पूरा गोल्डन कलर में डिज़ाइंस की गई है एंड द गोल्डन कलर इज़ लुकिंग वेरी वेरी अमेजिंग. एंड ये ना इसमें क्लासी सा टच ऐड कर रहा है. एंड इसमें लिखा है वेडिंग सेरेमोनी 786 एंड यहाँ पर जो जिसको आप देंगे उनका नाम होगा यहाँ पे. सो लोकली मैंने इसे प्रिंट करवाया है बट ये जो कार्ड है ये मैंने कहाँ से परचेज किया है, किस तरह से मैंने इसे ऑर्डर किया है, सब कुछ मैं डिटेल्स में इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. फिलहाल आप इस कार्ड को देखिए. आई डोंट नो कैमरा में ये कार्ड कितना जस्टिफाइड हो रहा है बट रियल में मुझे ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. यहाँ पर ऑल ओवर वाइट एंड गोल्डन डिटेलिंग है एंड मिडिल में जो कटआउट है ना उसमें सिल्वर कलर के ग्लिटर्स है. तो ये जो ग्लिटर पार्टिकल्स है ना इसकी वजह से इसमें ना थोड़ा सा डिज़ाइंस है ग्लिटर्स की, तो जिसकी वजह से ना इसमें एक रॉयल एंड एक रिच लुक ऐड हो रहा है. एंड जब आप इसे इस तरह से ओपन करोगे कार्ड को तो इसके अंदर जो मेन इन्विटेशन कार्ड है वो निकल आएगा जो कि एकदम सिंपल है. मैं चाहती थी तो इसके ऊपर भी कुछ डिज़ाइंस बना सकती थी बट मैंने नहीं बनाया है पर्पसफुली क्योंकि मुझे कुछ सिंपल चाहिए था, डिसेंट चाहिए था, जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी एंड दैट्स इट. और ये है मेन इन्विटेशन. यहाँ पर हमने इंग्लिश में ऐड किया जो भी है इन्विटेशन एंड ऑल सब इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड सेम डिटेल्स यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है. ये जो राइटिंग है ये मेरी मम्मी ने लिखा है, मतलब मम्मी ने ही सोच कर ये सिर्फ इतने लाइनों में, जो जनरली दुकान में जो नॉर्मली होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है बट ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है. तो इसमें सब डिटेल्स है, मतलब जो ब्राइड की डिटेल्स है, जो ग्रूम की डिटेल्स है, एड्रेस एंड ऑल सब है बट सिर्फ इसी यहाँ से यहाँ तक सारे डिटेल्स प्रोवाइड किया है. तो ये मेरी मम्मी ने खुद से लिखा है जो हमने प्रिंट कराया है एंड डिज़ाइनिंग एंड ऑल में भी मैंने ही डिसाइड किया है. एंड ये जो इंग्लिश का है ये मैंने खुद से डिसाइड किया है. ये मेरे खुद के वर्डिंग्स है जो हमने कस्टमाइज करके प्रिंट कराया है एंड दैट्स इट. ये है मेन कार्ड. सो दैट इज इट. ये मेरा वेडिंग इन्विटेशन कार्ड है. मिनिमल, सिंपल येट क्लासी एंड ब्यूटिफुल. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड ये कार्ड मेरी फैमिली को भी काफ़ी अच्छा लगा. सो ये जो वेडिंग कार्ड है ये मैंने खरीदा कहाँ से है? एक्चुअली ये वेडिंग कार्ड वेस्ट बंगाल में तो मुझे नहीं मिला था, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ऑब्वियसली वहां पे मुझे नहीं मिला था इस तरह के वेडिंग कार्ड्स. तो ये वेडिंग कार्ड मैंने केरला से मंगाया है. एक शॉप था केरला में जिसका नाम है किंग ऑफ कार्ड्स, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ज्यादा एक फेमस वेडिंग इनविटेशन कार्ड का दुकान है. तो वहां से मैंने ऑर्डर किया है एंड वाया पोस्ट ये मुझे रिसीव हुआ था. 50-50 के बैचेस में मुझे रिसीव हुआ. 100 कार्ड्स हमने प्रिंट किए हैं एंड 50-50 के बैचेस में हमें रिसीव हुए थे.
ऑल द वे फ्रॉम साउथ इंडिया एंड बट हाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी मुझे ना 4 या 5 कार्ड शॉर्ट्स रिसीव हुए मतलब मुझे शायद 95 कार्ड्स ऐसा कुछ रिसीव हुआ था जो कि शायद उन लोगों ने काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया था आई डोंट नो मैंने कुछ इशू रेज तो नहीं किया क्योंकि मुझे कार्ड इतना अच्छा लग गया था और अगर मैं रीऑर्डर करती तो आने में और भी ज़्यादा टाइम लगता था. ऑल्सो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप कार्ड को ऑर्डर करें सिर्फ कार्ड आया था प्रिंट तो हमने लोकली यहाँ से ही किया था सिर्फ कार्ड आपको रिसीव होगा एंड कार्ड आपको खुद असेंबल करना पड़ेगा एंड कार्ड रिसीव होने का जो टाइम मतलब आपको टाइम लेकर ही ऑर्डर करना पड़ेगा. मैंने जब ऑर्डर किया था तब 15 डेज के बाद मुझे कार्ड रिसीव हुआ था आई गेस तो आप हाथ में टाइम लेकर ही ऑर्डर करना. सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है एंड मेरी जो वेडिंग डेट है वो अभी आपको मैं डिस्क्लोज करूंगी. इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी उस वीडियो में आई विल डिस्क्लोज माई वेडिंग डेट. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाई.